लिख या पारा, चिंता करो हमारी। जल थल मही अलवर पर लीनो, कट कट जोत तुम्हारी। जल थल मही अलवर पर लीनो, कट कट जोत तुम्हारी। जीव जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद्वासे। जो तुद पावे सो ही चंगा, इक नानक की अरदासे। जो तुद पावे सो ही चंगा, इक नानक की अरदास। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। साधन बोलती तो कुछ नहीं, मैं बराबर बोलिया थोड़ी। बोल श्री गुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। जयकारा कांछी वाले दा बोल सांचे दरबार की जय। मेरे साथ गुरु आ जाओ, मेरे साथ गुरु आ जाओ। अखियां तरस रहियां, आके दर्श दिखा जाओ। अखियां तरस रहियां, आके दर्श दिखा जाओ। गंगा प्रेम दी बगदीए, गंगा प्रेम दी बगदीए। गंगा प्रेम दी बगदीए, गंगा प्रेम दी बगदीए। मेरे साथ गुर दी बाणी अमृत लग दी ये। मेरे सत गुर दी बाणी अमृत लग दी ये। मेरे सत गुर दी बाणी अमृत लग दी ये। मेरे सत गुर दी अमृत लग दिए। मेरे साथ गुरु आ जाओ, मेरे साथ गुरु आ जाओ। अखियां तरस रहियां, आके दर्शन दिखा जाओ। अखियां तरस रहियां, आके दर्शन दिखा जाओ। मेरे साथ गुर आ जाओ, मेरे साथ गुर आ जाओ। अखियां तरस रहियां, आके दर्शन दिखा जाओ। अखियां तरस पंछी उड़ उड़ गांदे ने,
पक्षी उड़ उड़ गांदे ने जी बेले अमरत आंदे ने मेरे साहब जी अबेले अमरत आंदे ने सरिया आया के दर्शन दिखा जाओ अखियां तरस रहियां आया के दर्शन दिखा जाओ अखियां तरस रहियां आया के दर्शन दिखा जाओ सतगुरु सत संग आ 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 जाओ अपनिया संगतानू आवाके दर्श देखा जाओ अपनिया संगतानू आके दर्श देखा जाओ अपनिया संगतानू आके दर्श देखा जाओ अपनिया संगतानू आके दर्श देखा जाओ मेरे साथ गुरु आ जाओ मेरे साथ आके दर्शन दिखा जाओ अखियां तरस रहियां आके दर्श दिखा जाओ सतगुर नाम दान देंदे ने ओ सतगुर नाम दान देंदे ने जाना पापी रोंदे रहंदे ने तरमिया ले जाना पापी रोंदे रहंदे ने करा कांसी वाले दा बोल सांचे दरबार की जय स्वामी जगत गिर महाराज की जय स्वामी गुरदीप गिर महाराज की जय सब साध संतन की जय जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी परम सत्कार योग तन तन श्री सतगुरु रविदास महाराज जी
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पत्यार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पत्यार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद में विराजमान समूसा संगत जियो सभी को जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं लगातार सेवा स्वामी जगतगिरी आश्रम में श्री गुरु रविदास सभाओं और संगत के द्वारा की जाती है, क्योंकि इस आश्रम में अनेक गतिविधियां, अनेक सेवा से जुड़े कार्य चलते ही रहते हैं। MKM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वृद्धाश्रम, बच्चों का हॉस्टल, एक बहुत ही भव्य और प्रसिद्ध मंदिर, श्री गुरु रविदास वर्ल्ड पीस टेम्पल, दर्शनी द्योड़ी और हिमाचल और पंजाब के बीच में देवभूमि के बीच में नेशनल हाईवे पे बसा डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है। चक्की दरिया की कलकल करती हुई आवाज, छोटी छोटी पहाड़ियां, कोई किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है, प्रदूषण नहीं है और यहाँ बैठकर एक आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। इन सब के साथ साथ हर बृहस्पतिवार को, गुरुवार जिसे वीरवार भी कहा जाता है, और उस दिन विशेष करके महिलाएं सेवा के लिए गुरु घर में आती हैं, पूरे गुरु घर की सफाई अनेक प्रकार की करके सिमरन के साथ जुड़कर सत्संग प्रवचन सुनकर अपने घरों को लौटती हैं। ये सारा कुछ उस महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी की बख्शिश है,
स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी की सोच के मुताबिक ये सारे जो कार्य चल रहे हैं उनके आशीर्वाद से महिलाओं के ऊपर विशेष कृपा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ जालंधर से विशेष रूप में सेवा के लिए आना, जम्मू और उसके आसपास से महिलाएं सुबह घर से निकलकर शाम को वापस सेवा करके जाती हैं। गुरदासपुर और पठानकोट की महिलाएं तो लगातार सेवा में लगी रहती हैं। तो ये सारा कुछ उस मालिक की कृपा है। जब हम मालिक के चरणों के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे मन में एक विशेष प्रकार की आस्था श्रद्धा जुड़ जाती है। और जब हमारी श्रद्धा आस्था परिपक्व हो जाती है, पक्की हो जाती है, तो मालिक हमारे ऊपर कृपा का आशीर्वाद रखते हैं। तो सर्वप्रथम मैं स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट की ओर से इन सब महिलाओं का, और साथ में भाई भी आए हैं, उन्होंने भी पूरा समय निकाला है, उन सब का ट्रस्ट की ओर से स्वामी जगतगिरी आश्रम में हार्दिक अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जो अपनी सेवा अपने आप ही निभाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कुछ काम होते हैं कहने पर करने, लेकिन स्वामी जगतगिरी आश्रम में अपने आप ही जो संगत एक विधिवत रूप में सेवा के लिए आती है, यह महाराज जी का आशीर्वाद है और आप सारी संगत का सहयोग है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अभी आप जी ने महाराज जी की वाणी का शब्द सुना, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। जो हम सेवा और सिमरन के लिए आए, हमारी आस्था गुरु वाणी से और गुरु घर से बने, इसी से संबंधित सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द के माध्यम से बता रहे हैं। क्योंकि हम सभी श्रद्धालु गुरु जी की वाणी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके अर्थों को, उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज हम घर गृहस्थी के कार्यों के साथ साथ गुरु घर के कार्य भी करते हैं। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द के माध्यम से दो तीन बातें हमें समझाते हैं, पक्की करते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु हर जगह समाया हुआ है, जहां कुछ भी नहीं है वहां प्रभु है, लेकिन हमारे भीतर उसका अस्तित्व है, हम भीतर से उसे पा सकते हैं। दूसरा, ये जो प्रभु है, यदि हम सच्चे मन से इसके नाम का सिमरन करते हैं, गुरु के दिए हुए नाम का अभ्यास करके शब्द के माध्यम से, सुरत के माध्यम से, हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां हमें बताया जाता है, हमारा ध्यान वहां लग जाता है, तो हमें प्रभु के दर्शन दीदार भी होते हैं। इस शब्द के माध्यम से प्रभु जी हमें ये भी विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम मालिक के चरणों के साथ जुड़कर वाणी के अनुसार चलते हैं
तो वह प्रभु हमें दर्शन भी देता है जो निर्गुण है, निराकार है। इन आँखों से हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर के तीसरे नेत्र खुल जाने से हमें वो दर्शन देगा। फिर गुरु जी कहते हैं कि ना केवल प्रभु दर्शन ही देते हैं, बल्कि वो बातें भी करते हैं। जैसे हम अपने किसी रिश्तेदार से, बहन भाइयों से, किसी से बातें करते हैं, अपने दुख सुख को साझा करते हैं। यदि हम भगवान को अपना साथी बना लेते हैं, हमारा विश्वास बन जाता है वो मालिक हमारी बात सुनेगा, तो वह भी सत्य है। ये सारी चीजें इस शब्द के माध्यम से महाराज जी समझाते हुए कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं कब मिलेंगी, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, मैं एक निमाना हूं, दीन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है अपना, कमजोर हूं, दीन हूं, वो मालिक दयाल है, दयालु है, सब पर बख्शिश कर देता है। मालिक ये नहीं कहता कि इसने मुझे दोषी ठहराया, इसने मुझसे कुछ कह दिया है तो मैंने उसके लिए हवा नहीं भेजनी, ऐसा नहीं कहता। अगर आप मालिक को किसी तरह के शब्द भी बोल देते हो तो वह आगे से कोई जवाब नहीं देता हमें। लेकिन वही शब्द अगर हम घर में किसी बच्चे को ही बोल देते हैं तो बच्चा भी झट से हमें जवाब देता है। और जितने लड़ाई झगड़े होते हैं किस कारण होते हैं? बोलने से। मालिक नहीं बोलता, हम कुछ भी कह दें वो हम पर दयाल रहता है। हम पापी हैं, वह बख्शनहार है। हम गुनाह करते हैं, वो बख्श देता है, हम पर कृपा कर देता है। लेकिन कब? जब हम दीन होंगे, जब हम विनम्रता के साथ जीवन जिएंगे। हम सर दीन दयाल ना तुम सर। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तुम्हें विनम्र रहना है, नम्रता के साथ बात करनी है, अकड़ना नहीं है। आपने देखा होगा जितना भी टहनियां हैं, जब वृक्ष की टहनी जिसमें जान खत्म नहीं होती, वह फ्लेक्सिबल होती है, झुक जाती है। पेड़ पर जितने ज्यादा फल होंगे वो उतना ही झुका हुआ होता है। और जो लकड़ी सूख जाती है वह कैसी हो जाती है? अकड़ जाती। उसको आप जरा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो क्या होगा? टूट जाएगी। इंसान हम झुक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, बाजू हिला लेते हैं, जितनी देर तक हम में जान है। जब जान खत्म हो जाती है तो क्या होता है? इंसान अकड़ जाता है। फिर उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। कहने का भाव ये है कि जब हम अपने आप में हम अहंकार ले आते हैं, अहम ले आते हैं, और ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो फिर परमात्मा हम पर दयालु कैसे होगा? गुरु नानक देव जी ने एक वृक्ष के लिए लिखा है, सिम्मल नाम का एक वृक्ष है जो बहुत ऊंचा होता है, लंबा होता है। और जब उन्होंने इस वृक्ष को देखा तो क्या लिख दिया? सिम्मल रुख सराय रा अति धीरग अति मुच,
सिम्मल रुख सरायरा अति धीरग अति मुच आए जो आवे आस कर जाए निराशा कित फल फिके फुल बक वके काम न आवे पत मिठ तनीमी नानका गुण चंगियाँ तत। सिम्मल नाम का वृक्ष बहुत ही लंबा ऊंचा है लेकिन उसका कोई भी हिस्सा किसी भी काम नहीं आता। वो इस तरह का है कि ना तो उसके नीचे छाया ली जा सकती है, घना नहीं है। फल फीके फुल बक बके, जो फल लगते हैं वो भी खाने में स्वादिष्ट नहीं है। फुल बक बके, अगर फूल देखते हो तो वो भी ऐसे बक बके बेस्वादिष्ट से नजर आते हैं। कामना आबे पत, पत्ते भी किसी का नहीं आते। गुरु जी कहते हैं कि ऐसे बड़े होने से क्या लाभ। अगर अपने घर में आप बहुत अमीर हो, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपके पड़ोस में एक बीमारी से मर रहा है, आपका रिश्तेदार बहुत गरीब है, वो पैसे पैसे के लिए तरस रहा है, हम अपने घर में ऐशो आराम से रह रहे हैं, हम किसी की मदद नहीं कर रहे, और अगर कोई आ जाता है तो उसको हम कड़े शब्दों में जवाब दे देते हैं, तो हमारी उस जायदाद का क्या फायदा। कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं। कौन से इंसान? 84 लाख जन्मों के बाद जो दुर्लभ जन्म मिला है और सभी जीवों का सरदार बनाकर हमें इस धरती पर भेजा है, इतनी बड़ी सोच दे दी लेकिन काम किसी काम के नहीं। गुरु जी कहते हैं हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपके नाम का सिमरन करता हूँ, आपकी आज्ञा के अनुसार चलता हूँ, इसलिए मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए, ब्रह्म ज्ञान देकर मुझे पूर्ण कर दीजिए। ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान जो सत्य है, जो उस ईश्वर की जानकारी देता है, वो क्या है, कहाँ रहता है, कैसे उसकी पूजा आराधना करनी है, उसे ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। और वह ब्रह्म ज्ञान परमात्मा खुद प्रदान करता है, कैसे? गुरु जी के माध्यम से, संतों के माध्यम से। जो संतों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह ब्रह्म ज्ञान है, और जो उस ज्ञान के अनुसार चल जाता है वो कौन है? ब्रह्म ज्ञानी। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानी। इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो महाराज जी ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कई बारी सोच में आ जाता है कि सतगुरु रविदास महाराज जी उस ईश्वर को कह रहे हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, जो कुछ भी उपदेश देते हैं वे हम जीवों को समझाने के लिए देते हैं। उदाहरण में वो अपना नाम लेते हैं, किसी का नाम ना लेकर अपना नाम लेकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। महाराज जी अपनी वाणी के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं कि हे जीव, तूने दीन स्वभाव का रहना है, निम्रता का प्रयोग करना है,
उस मालिक के नाम का सिमरन करके सतगुरु के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान लेना है और तुम्हें उस मालिक की प्राप्ति हो जाएगी। फरीद जी सूफी संत हुए हैं, उन्होंने कहाँ तक निम्रता के लिए बोला? फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा जो तो मारन मुकिया तिना न मारे कुम, आप नड़े कर जाएगे पैर तिना दे चुम। फरीद जी कह रहे कि हे जी, तूने अपनी विनम्रता अपनी दीनता यहां तक दिखानी है कि अगर कोई हमें मुक्का मारता है, मतलब जोर से मुट्ठी बंद करके हमें चोट लगाने की कोशिश करता है, तो हमने दूसरे हाथ से उसके पेट में नहीं मारना। कोई आपको हाथ से मारता है बिना काम के, बिना कसूर के, तब भी आपने बदले में उसको थप्पड़ नहीं लगाना है। क्या करना है? आप नड़े कर जाए के पैर तिना दे चुम, बल्कि उसके घर जाओ, माफी मांगो और उनके पैरों को छुओ कि मेरे से गलती हो गई। क्या ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। कब? जब हमें याद होगा कि फरीद जी ने ऐसे कहा था, गुरु रविदास जी ने ऐसे कहा था, उसने मारा मैं क्यों मार रहा हूं, उसने गलती की मैं क्यों कर रहा हूं, मैं तो गुरमुख हूं, मैंने तो ये नहीं सीखा, उसने सीखा है, क्योंकि वो गुरमुख नहीं है, वो संसारी आम जीव है, आप तो अलग हो। जब हम गुरु चरणों में चले जाते हैं, हमारी पहचान बन जाती है। हम सामान्य व्यक्ति से हटकर ऊपर उठ जाते हैं, हम में और उसमें फर्क हो जाता है। तो यदि हमने भी उसको बदले में मार दिया, किसी ने अपशब्द बोले और हमने भी उसको दो चार और जोड़कर बोल दिए, तो उससे हमारा और उनका हिसाब बराबर, बल्कि और पाप चढ़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि अगर कोई बुरा हमें कहता है और हम उस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो मेरे लेवल की नहीं थी, मैं तो ऐसी हूं नहीं, तो मैंने उसको आगे से कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या हुआ? वो जो उसके शब्द थे वापस कहां चले गए? उसी के पास पहुंच गए। ये वाइब्रेशंस हैं, ये शक्ति है, ऊर्जा है। मैं बोल रही हूं, ये शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। ये क्या है? कोई बीच में लाइन नहीं है, ये ईश्वर की दी हुई शक्ति है जो एक दूसरे के पास पहुंचती है। वाइब्रेशंस हैं, तरंगे हैं, हवा के माध्यम से। मैंने उसके बोलों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए वो है नहीं, उसने बोल दिए, मैंने लिए नहीं, तो वापस तो जाएगा। किसी चीज के माध्यम से समझने की कोशिश करो। मैंने किसी को चीज दी, उसने नहीं ली, तो वो चीज किसके पास रहेगी? आपके पास ही, जिसने दी। तो इस पर विश्वास करना है। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तेरी निम्रता तेरी दीनता उस मालिक को पाने के लिए काफी है। हे जीव, तुम अपने अहंकार को छोड़ दे तो उस मालिक के चरणों में चला जा, दीनता के साथ रह, तुम उस मालिक को पालोगे।
कहानी नहीं है, सच्ची बात बता रही हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, कितनी बड़ी पावर होती है। बाहर निकले शहर का जायजा लेने के लिए, लोगों को देखने के लिए। जब वो बाहर निकले, जा रहे थे घोड़े में, तो रास्ते में किसी भवन का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, निर्माण कार्य चल रहा था, मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों ने भारी पत्थर उठा के ऊपर लेकर जाना था छत पर। एक दो मजदूर लगे हुए थे, वो पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्थर उठाया नहीं जा रहा था, पत्थर बहुत भारी था। ठेकेदार पास में खड़ा था और मजदूर जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनसे पत्थर उठाया नहीं जा रहा। अब जो ठेकेदार है वो उन्हें डांट रहा, क्या कर रहे हो, दिहाड़ी खराब कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे सही से। वो जो जॉर्ज वाशिंगटन थे वो भी वहां रुके हुए थे, उन्होंने कहा, उनको नहीं पता था ठेकेदार है कौन है, उन्होंने कहा भाई साहब आप भी हाथ लगा दो तो पत्थर उठाने में मजदूरों को आराम रहेगा, आपकी सहायता से ये पत्थर उठाया जा सकेगा। बड़े रूप से बोला, कहने लगा आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मैं मजदूरी करता नहीं, मैं तो मजदूरी करवाता हूँ, मैं मजदूर थोड़ी हूँ। जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ से उठे, धीरे धीरे उसने उन मजदूरों के पास जाकर उस पत्थर के साथ सहायता की, पत्थर को उठाने में थोड़ा सा जोर लगा तो पत्थर उठ गया, जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँच गया। और बाद में वहाँ से आकर घोड़े के ऊपर बैठ गया। जब घोड़े के ऊपर बैठ गया, क्योंकि तब तक किसी को नहीं पता था ये व्यक्ति कौन है, जब घोड़े के ऊपर बैठ गया तो ठेकेदार साहब को क्या बोलते हैं, कहते ठेकेदार साहब सलाम, कभी आपको किसी मजदूर की जरूरत पड़े तो आप राष्ट्रपति भवन में आ जाना। तो ठेकेदार को पता चल गया कि ये कौन व्यक्ति है, चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। उस समय जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कई बार एक व्यक्ति के प्रयास से, एक व्यक्ति के सहयोग से बड़े बड़े काम सफल हो जाते हैं। उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, मेरी पोस्ट क्या है, उस समय किसी की सहायता करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। और हमारा मान सम्मान भी उस समय पोस्ट में नहीं होता, बड़े होने से नहीं होता, बल्कि हमने उस समय को देखते हुए, समझते हुए सहायता की है। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उससे मान इज्जत बढ़ती है जो काम सही तरीके से, सहायता सही तरीके से करता है, और अपनी अकड़, अहंकार, पद स्थिति को छोड़कर मजदूरों के साथ खड़ा हो जाता है। विनम्रता, बात क्या हो रही थी, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, ओ मालिक फिर हम पर खुश हो जाता है। ऐसी स्थिति को लाकर हमने गुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपनाना है। गुरु जी आगे बोलते हैं, हो बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल, हो
बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ। महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरे नाम का सिमरन भी करता हूँ, दिन रात आराधना करता हूँ, तेरे दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता हूँ, तेरे पर मैं कुर्बान जाता हूँ, क्योंकि तूने मुझे ऐसा जीवन दिया है, ऐसा नाम दिया है, ब्रह्म ज्ञान दिया है। लेकिन तुम मेरे से बोलते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते? मैं उदास हूँ, सारा कहना मैं मानता हूँ आपका, लेकिन फिर भी तुम मेरे से बोलते नहीं हो। कारण कवन अबोल, क्या कारण है कि तुम मेरे से बातें नहीं करते? कहने का भाव ये है कि जीव चाहता है उस मालिक के साथ बातें करूं, और ये सत्य है कि यदि हम मालिक के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी श्रद्धा आस्था बिल्कुल एक गुरुमुख की तरह, सेवक की तरह हो जाती है, तो वह हमारे से बातें भी करता है। आपने धन्ना जट की कहानी सुनी होगी, और उन्होंने अपने पिता का कहना माना, क्योंकि पिताजी ने बोला था कि ठाकुरों की पूजा करनी है, आराधना करनी है, फिर इसको भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद ही तुमने खाना खाना। अब धन्ना जट सारा कुछ कर रहा है पिता के अनुसार, भोग लगा रहा है ठाकुरों को। ठाकुर कौन? पत्थर की मूर्ति जिसकी पूजा की जा रही है, ठाकुर भगवान समझकर। अब जो धन्ना जट है वो तो साफ और स्पष्ट दिल का था, पिता ने कहा है ये ठाकुर है, भगवान जी हैं, ईश्वर हैं, पहले इनको भोग लगाना है, फिर आपने खाना है। अब पिताजी तो क्या करते थे, आरती करते थे, भोग लगा देते, मुंह को लगा देते थे, तो चलो जी खाना खा लिया। लेकिन धन्ना जाट को तो ये पता नहीं था, उसने सोचा जब तक ये भोजन नहीं खाएगा मैं कैसे खाऊं, पिताजी ने कहा है। अब वो खाना नहीं खा रहा, पत्थर कहाँ खाना खाए। धन्ने जाट ने कहा कि अगर तुम नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। दो दिन बैठा रहा, मिन्ती करता रहा, आखिरकार भगवान को उसकी ईमानदारी, पवित्रता, शुद्धता पर प्रसन्न होकर आना पड़ा, और वो उस पत्थर में से प्रकट होते हैं। क्यों, कैसे? सच्ची साधना, आराधना। जब हम सच्चे मन से किसी को याद करते हैं तो क्या कहते हैं, अभी आपको याद किया था, आप आ गए, मैं याद ही कर रहा था, मैंने सोचा उसके पास जाऊंगा तो वो आप आएगी हो। ऐसा ही होता है, होता है कि नहीं होता? होता है। जब हम सोच लेते हैं कि ये काम मैंने करना है, करके ही छोड़ना है, हो जाता है। ये क्या है? ईश्वर, भगवान, जिस भी रूप में हम चाहते हैं वो मिलता है। इसी तरह जब हम ईश्वर को पुकारते हैं तो वह हमें दर्शन दीदार देता है, हमारे साथ बातें करता है। हम बड़ी मुसीबत में होते हैं, परेशान होते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं होता, तो हम उस मालिक के साथ विरह वेदना के साथ आंसू टप टप कर रहे हैं, विजोग में हैं, मालिका मेरी सुनो अरदास, मैं इस समय मुसीबत में हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उसी समय कोई ना कोई व्यक्ति साधन बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, वह कौन है? परमात्मा का रूप, परमात्मा का बनाया हुआ साधन, परमात्मा का बनाया हुआ जीव, जो खुद उस रूप में हमारे पास पहुंच गया, वो मालिक है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हम चाहें
तो वो मालिक आकर हमारे खेतों में धन्य जट के साथ हलवाही कर सकता है, खाना खा सकता है। धन्य जट ने कहा मैं नहीं खाना खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाओगे, तो वो प्रकट हुए और बोला भाई आज से तुम मेरे दोस्त, मैं आपका दोस्त, जो काम आप करोगे मैं भी करूंगा। तो मालिक भी हमारे प्यार का बंधा हुआ है। जब हम किसी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो मालिक भी उस प्रेम में बंध जाता है। हमारे बहुत सारे साथी कई बार कहते हैं महाराज जी इतनी दूर क्यों गए, इतनी दूर गए, इतनी मुश्किल गए, अभी तो आप थके हारे आए थे, आप आराम कर लेते। नहीं करते ना, क्यों? क्योंकि वो संगत के प्रेम में बंधे हुए हैं। उनको पता है कि ये मुझे प्रेम करते हैं, मुझे इसको इनको अपना सहयोग आशीर्वाद देना है, इसलिए वो मालिक भी हमारे प्रेम में बंध जाता है। जब हम सच्चे मन से उसकी आराधना सिमरन करते हैं, उसके दिए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो शब्द की अंतिम पंक्तियों में गुरु जी कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिसरे थे माधो, एहे जन्म तुम्हारे ले आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। प्रभु मिलाप की बात करते हुए महाराज जी क्या कह रहे हैं, कहते बहुत जन्म बिसरे थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिसरे थे माधो। अनेक प्रकार की जूनों के बाद ये मानव दुर्लभ जीवन मिलता है जीव को, और उस मालिक को पाने की भी यही जीवन है। ना तो देवता उस मालिक की प्राप्ति कर सकता है और ना ही जानवर। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि बहुत जन्म बिसरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, अब इस जीवन में मैंने तेरे को पाना है, मैं अपना सारा कुछ तेरे पर निशावर कर देता हूँ। और दूसरा गुरु प्यारी सा संगत जी कह रहे विदास आस लग जीव्यो चिर प्यो दर्शन देखे, बहुत समय हो गया है हे प्रभु दर्शन दीदार दे दो, तेरे दर्शनों की भूख प्यास लगी हुई है, बार बार दर्शन दीदार करने पर भी मालिक के दर्शन करने की इच्छा मन में रहती है। गुरु दर्शन कितनी बार भी कर लो उसकी प्यास मिटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम गुरु घर में जुड़ते हैं, वाणी के साथ जुड़ते हैं, उस मालिक के विरहे की जो वेदना है वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। और यही सच्चा प्रेम है। कह रविदास भगत इक वाड़ी,
अब एक असू करिए, जा कारण हम तुम्हें आराधे, सो दुख अजही सहियो। हे प्रभु, जिस कारण हमने आपकी भक्ति की, जिस कारण हमने आपके नाम का सिमरन किया, संसार के सारे पदार्थों को छोड़कर तेरे साथ लिव लाई, क्योंकि हम दुखी थे कि परमात्मा मिल जाए, उस मालिक के दर्शन दीदार हो जाए, सारा कुछ उसके लिए कर रहे थे, लेकिन आज भी वह दुख वैसे का वैसे ही। गुरु प्यारी सत्संगत जी, कहने का भाव ये है कि जैसे जैसे हम गुरु प्रेम करते हैं, गुरु के रंग में रंगते हैं, भक्ति का रंग चढ़ जाता है, हम उसके अंदर लीन हो जाते हैं, हमारी वो गुरु दर्शनों की प्यास और भी बढ़ती जाती है। ये गुरु प्रेम, गुरु भक्ति, ऐसी कोई स्थिति नहीं आती कि हम अब ठीक है जी, नहीं, और ना ही भक्ति का ये सिस्टम है। जितनी बार हम गुरु घर में आते जाएंगे, हमारी और उतनी लालसा होगी कि हम गुरु घर में आए, गुरु दर्शनों के लिए आए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत जन्म बिसरे थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म मैंने अपने चरणों में समर्पित कर दिया है, और अब मुझे दर्शन दीदार दो, आपके दर्शनों के बिना मैं रह नहीं सकता। अर्थात हे जीव, बार बार उस मालिक के चरणों में अरदास करो, उसके दर्शन दीदार करने के लिए हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए, वेदना होना चाहिए, विरह वैराग। आपने देखा होगा जब बड़ी खुशी होती है तो भी आंसू आते हैं आंखों में, किसके, खुशी के आंसू। जब देर के बाद प्रभु चरणों में आते हैं, गुरु जी से मिलते हैं, तो आंखों में आंसू आते हैं, खुशी के आंसू। ये सारा कुछ कब होगा? जब हम विनम्रता के साथ उस मालिक के चरणों में अरदास करते हैं, और जब मालिक कृपा कर देते हैं, तो फिर भी ये नहीं कहना कि मैंने किया है, ये काम मेरे बिना हो नहीं सकता था, अगर मैं नहीं होती तो ये कभी भी संभव नहीं होता। फिर उस मालिक का शुक्राना करना है। तो आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। हे मालिका, ये सारा कुछ तेरा दिया हुआ है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब तेरा है, तूने दिया है, और उसी का ही जीवन जापन करके, उसी का प्रयोग करके मैं तेरे नाम का सिमरन करता हूँ। जो कुछ दान देता हूँ, जो कुछ किसी की सहायता करता हूँ, किसमें से करता हूँ, जो आप देते, मेरा कुछ नहीं है मुझ में। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जब ऐसी अवस्था होगी तो हम उस मालिक के दर्शन दीदार करेंगे, उनसे बातें करेंगे, और वो हमारे साथ बातें भी करेगा। सिखला रहना रब दे रंग विच, ना कर तू चित्राइया, सिखला रहना रब दे रंग विच, ना कर तू चित्राइया, सारी दुनिया तेरी है जे मन दे विच चंग्याई। जब हम ऐसी अवस्था धारण कर लेंगे तो फिर हमारा और उस मालिक का रिश्ता कैसा हो जाएगा? बड़ा खूबसूरत है रिश्ता, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मेरा ते मेरे सतगुरदा, ज्यादा मैं मंगदा नहीं ते काटो दिंदा नहीं। ऐसी अवस्था को लेकर, ऐसी अवस्था की कोशिश करते हुए हमने गुरु घर में सेवा और सिमरन करना है। आप सभी श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं, जो गुरु घर में इतनी संख्या में पहुंची हैं, दूर दूर से आई हैं, ये सब
सौभाग्यशाली हैं, उस मालिक के नाम से जुड़ी हैं, उस मालिक के नाम के लिए सेवा और सिमरन दोनों ही समय निकालती हैं। सिमरन के साथ साथ अगर सेवा हो जाती है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो मालिक तंदुरुस्ती दे, आपकी लंबी लंबी आयु हो, आपके घरों में सुख शांति हो और आप गुरु घर के साथ सेवा और सिमरन के साथ जुड़े रहें, यही हमारी प्रभु चरणों में अरदास है। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। 17 तारीख को संक्रांति है, फिर आपके दर्शन दीदार होंगे। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ प्यारे सत्संग जी, आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम में ना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छटकारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। गस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो भाती, नाम तेरो तेल ले माई पसारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई, बेयो जे आरो पवन संग लारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पारे अठारह सगल जूठारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या रे पो, तेरो किया तुझे क्या रे पो, नाम तेरा तुई चवर डोलारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। दसे अठा अठ सठे चारे खानी, दसे अठा अठ सठे चारे खानी, ए वरतन है सगल संसारे। हर के नाम
बिना झूठे सागल पसारे कह रविदास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम तेरो आरती सत्य नाम है हरि भोग तुम्हारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मोरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे श्लोक हर सोई रासार के करे आन की आस ते नर दो जिक जाएंगे सत पाके रविदास हर सो हीरा साड़ के करे आन की आस ते नर दो जिक जाएंगे सत पाके रविदास साचाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो नर वै सतगुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगतगिर महाराज की जय स्वामी गुरदीप गुरु महाराज की जय सब साध संतन की जय सबनु जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास। गुरु प्यारी सतसंगत जी हजूर महाराज जी 15 तरीक तक कनेडा तो वापस आ जाएंगे। आप 16 तारीख नू हजूर महाराज जी दे दर्शन दीदार कर सकते हो और संक्रांति दा सत्संग भी 17 तारीख नू हजूर महाराज जी ने ही करना है। सारी संगत दे वल्लों कनेडा विच बैठे हजूर महाराज जी परम पूज्य स्वामी गुरदीप गिरी जी दे चरणा विच सारी संगत दी जात हर पल तेरा तकनी दर्शन देवो गुरु जी हर पल तकनी दर्शन देवो सरु जी हर पल तेरा तकनी दर्शन देवो गुरु जी हर पल तेरा तकनी दर्शन देओ गुरु जी सारी सारी रात में हंज पे बहानिया हंज पे बहानिया सारी सारी रात में हंज पे बहानिया हंज पे बहानिया गुरु जी दा नाम शुभ शाम मैं त्यानिया शाम मैं त्यानिया सारी सारी रात में हंज पे बहानिया हंज पे बहानिया गुरु जी दा नाम शुभ शाम मैं त्यानिया नाम मैं त्यानिया दस किसनु मैं हाल सुना दर्शन तो गुरु जी सारी रात तेरा तक नहीं आरा दर्शन देव गुरु जी नाम दी दीवानी एक मीरा भी होई सी मीरा भी होई सी नाम दी दीवानी एक मीरा भी होई सी मीरा भी होई सी
कृष्ण दे प्यार विच राधा भी रोई सी, राधा भी रोई सी। नाम दी दीवानी एक मीरा भी होई सी, मीरा भी होई सी। कृष्ण दे प्यार विच राधा भी रोई सी, राधा भी रोई सी। गुरु आया सी बन के मला दर्शन देव गुरु जी। हर पल तेरा तक नहीं आरा दर्शन देव गुरु। चुन चुन हंजू आंदे हार पे परोनिया, हार पे परोनिया। सोहंग नाम वाली डोरी विच पानिया, डोरी विच पानिया। चुन चुन हंजू आंदे हार पे परोनिया, हार पे परोनिया। सोहंग नाम वाली डोरी विच पानिया, डोरी विच। देवा सब कुछ गुरा तो लुटा दर्शन देव गुरु जी। हर पल तेरा तक नहीं आरा दर्शन देव गुरु जी। हर पल तेरा तक नहीं आरा दर्शन देव गुरु जी, दर्शन देव गुरु जी, दर्शन देव गुरु जी। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।